लोग गाइस तो कैसे हो आप सब लोग आज हम आ गए न्यू वीडियो में जिसमें हम खेलने वाले आदम से तो यह हम यहाँ पे खेलने वाले क्लैश कॉर्ड रैंगड विथ आदम पे तो देखते हैं आगे क्या होता है इस मैच में अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और लाइक कर देना भाई लाइक कर देना इस वीडियो को और इस वीडियो में हम लाइक टारगेट रखते हैं ओनली एंड ओनली तो थर्टी लाइक टारगेट का तो दबा तो लाइक का बटन यार तो हम यहाँ पे खेल रहे आदम के साथ वो भी क्लैश कॉर्ड रैंक्ड में तो हम यहाँ पे आगे की तरफ जाएंगे बंदों को ढूंढने के लिए क्योंकि हमने यहाँ पे लिया सिर्फ G18 और पहले राउंड में G18 लेना ही अच्छा ले रहता है क्योंकि वो छोटी MP40 जैसी है क्योंकि उसके हेड भी बहुत ही अच्छे लगते हैं तो मुझे वहाँ पे एक बंदी मिल चुकी है मैंने उसको तीन बार 55 का डैमेज दे, दे दिया है लेकिन मुझे यहाँ पे लगातार मैसेज आ रहे हैं तो मेरा नेट थोड़ा सा स्लो हो गया और मैं भागने में थोड़ा बेक नाकामयाब रहा और यहाँ पे दो बंदे हैं तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे मर जाऊँगा और मैं यहाँ पे आगे की तरफ जाऊँगा वो बंदे को मारने के लिए और मैं यहाँ पे गलती से मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ भी हो गया था यार तो गलती से मेरा उठक बैठक वाला बटन दब चुका था जिससे मैं बैठ जाऊं और हमारी टीम में इतने अच्छे लोग भी आए नहीं हैं और ये जो काना लड़की है या फिर बंदा है वो मुझे नहीं पता वो यहाँ पे कोने में बैठ के यार मैड किट लगा रही थी यार क्या बोले यार और पीछे से बंदा मार के चला गया उसको पता भी नहीं चला और ये जो तो दूसरी चिमकांडी है यार उसके पीछे ही बंदा है यार उसको पता नहीं है वो यार वो दूसरी बंदी को जिसने उसे मारा था यार उसको पता ही नहीं चल रहा है देखो यार उसको पूरा का पूरा घेर लिया था ये लोग बंदे ने तो ये पहला राउंड तो हम हार चुके हैं और हम ये मैच को बूया लेने की पूरी, की पूरी की पूरी कोशिश करेंगे तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डेजर्ट ईगल क्योंकि यार डेजर्ट ईगल का कोई तो जवाब ही नहीं है यार डेजर्ट ईगल इतनी अच्छी गन है यार तो उसका हेड लगता है फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव का तो मैं यहाँ पे हेड मारूंगा क्योंकि मुझे ईगल चलाना बहुत ही अच्छा आता है तो हम यहाँ पे आगे की तरफ जाएंगे अरे यार सब्सक्राइब कर दो ना यार हमारे चैनल को यार हम आगे की तरफ जाएंगे वो बंदे को हेड ही मारेंगे यार वन टैप मारने की कोशिश करेंगे लेकिन हम वन टैप तो नहीं मार पाएंगे मेरे ख्याल से क्योंकि बंदा बहुत ही नज़दीक है तो मैंने उसको सिक्सटी नाइन सिक्सटी सेवन और मैंने उसको पूरा कर दिया ख़त्म है से से तो ये बंदी को भी मैंने कर दिया ख़त्म और मेरा थोड़ा सा नेट है जैसे कि आप ऊपर पिंग देख सकते हो थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री पिंग यार मेरा नेट ही नहीं आ रहा है यार देखते हैं क्या सीन होता है और मुझे इसमें से मिल गई है एम पी जो तो वाकई में एक दमदार गन है और इसमें से मिल गई है मुझे फॉमस गन और मेरे दोनों के दोनों मुद्दे उस तरफ नॉक हो चुके हैं तो मेरा थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम वापिस से हो गया तो वो बंदे ने किसी ने मेरा किल चोरी कर लिया तो हम मुझे लगता है कि मेरी दूसरी बंदी जरा हमारी टीम में है वो ऊपर से मार रही थी और मैंने यहाँ पे ग्लू वॉल लगा दिया है ताकि वो बंदा मुझे मार ना पाए तो मुझे लगता है कि आगे की तरफ वहाँ पे मुझे रिवाइव करने नहीं जाना चाहिए पूरा का पूरा इन लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए जैसे कि आप देख सकते हो मेरे में अभी जीत हो रहा है क्योंकि यार मेरा नेट ही नहीं आ रहा है यार और तो हम पहला राउंड हम लोग जीत चुके हैं तो दोनों का स्कोर हो गया अभी वन और वन हो गया है तो हम आगे की तरफ जाएंगे और बंदों को ढूंढने के लिए क्योंकि यहाँ पे मुझे बंदे यार मैंने सिर्फ बहुत अच्छे किल नहीं किए हैं दूसरे बंदे ने यार मेरे किल चोरी कर दिए तो ये बात अच्छी नहीं है लेकिन हम आगे की तरफ जाएंगे जल्द से जल्द बंदों को ढूंढने के लिए और सबसे पहले हम आगे की तरफ ही भागेंगे यार क्योंकि हमें बंदे दिख नहीं रहे थे इसके पहले राउंड में तो हम मेरा एक किल तो चोरी हो गया था और एक बात ये है कि इसमें सिर्फ चार ही बंदे होते हैं यार और उसमें से एक किल हमारा चोरी हो जाता है तो यहाँ पे हमारा एक किल चोरी हो गया यार तो ये बात सही तो नहीं है तो हम यहाँ पे आगे की तरफ जाएंगे वो वाले बंदे ने मैं मैंने उसको देख तो लिया है और मैं उसे एम पी से मारूँगा यार देख सकते हो यार मेरे में क्या ग्लीच हो गया यार मेरा नेट ही नहीं आ रहा देखो 392 के आर पार घूम रहा है यार मेरा नेट नहीं है इस वक्त लेकिन हम लोग इस मैच को भूया लेने के सिवाय हम जाएंगे नहीं यहाँ से और आप देख सकते हो कि मेरे किल थे सिर्फ और सिर्फ तीन किल और बाजू वाले की हमारी टीम की बाजू वाले की टीम के भी तीन से ज़्यादा किल तो नहीं थे लेकिन अगर जो ये राउंड हम लोग हार जाते हैं तो मुझे और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़्यादा किल करने की लेकिन ये जो लड़की है या फिर लड़का है उसने लड़की का ड्रेस पहना हुआ है और जो कैरेक्टर है वो मोको है यार उसने पूरा ड्रेस क्यों खरीदा उससे अच्छा उसने आलोक खरीद लिया होता यार तो मुझे लगता है कि उसके पास आलोक है ही है क्योंकि इसके पास रोबो भी है यार इसको आलोक ले लेना चाहिए था अगर जो इसके पास नहीं था तो मोको को ज़्यादा काम में तो नहीं है लेकिन हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मोको कोई काम की कैरेक्टर तो नहीं है हम ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि वो सबकी अलग अलग चॉइस होती है यार जैसे कि आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पे कि मेरा नेट तो है ही नहीं यार ये यार क्या सीन है यार ये बंदी अभी ऑटोमेटिक मेरे में तो मर जाएगी लेकिन अच्छा हुआ मेरा नेट आ चुका है शायद से और वो बंदी यार पता नहीं जानबूझ के बाहर की तरफ जा रही है और मेरे में ऐसा दिखा रहा है कि डैमेज तो कम का लगा लेकिन ऑटोमेटिक यार ये बंदे मर जाएंगे और मेरा डैमेज तो वो लड़की यार फटाकड़ी से ज़्यादा है लेकिन उसके किल मेरे से ज़्यादा है यार डैमेज मेरे ज़्यादा है लेकिन उसके मेरे से किल थोड़ा ज़्यादा है तो हम थोड़ा वॉल्यूम को बदल देते हैं क्योंकि यार मज़ा नहीं आ रहा है यार ये क्या सीन है यार और हमने यहाँ पे ले लिया एम जो कि ये शॉर्ट गन है और इसके पास से मैंने ले लिया है ऑक गन और उसमें बेहतरीन बात तो नहीं कह सकते यार बुरी बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ थर्टी फाइव गोली है और उसने ईगल को भी ड्रॉप कर दिया यार वो क्या सीन है यार ईगल को उसने नहीं निकलना चाहिए था लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हमने तो ईगल ले ली है और आगे की तरह भी मुझे एक बंदा नज़र आ रहा है तो हमें इस मैच में बूया लेने के सिवा हम यहाँ पे जाएंगे नहीं और मुझे यहाँ पे मिल चुकी है एक आगे की साइड पे एक बंदी जिसको हम मारने की कोशिश करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से हम उसको नहीं मार सकते और ये यार क्या सीन है यार हमारी टीम के सारे के सारे बंदे मेरे अलावा मर चुके हैं तो मुझे लगता है कि मैं ये राउंड नहीं जीत सकता क्योंकि उनका मा... एक भी आदमी नॉक नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे जैसे ही आगे की तरफ जाऊँगा मुझे यहाँ पे बंदा मार के ले चलेगा जैसे कि आप देख सकते हो यार ये मैंने उसको बहुत अच्छा सा डैमेज दे दिया था लेकिन मेरा नेट नहीं था तो उसने यार मेरे को कैसे ख़त्म कर दिया यार मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वापस से एक बार एम वन एट एट सेवन और ग्लू वॉल ले, ले लेते हैं यार ग्लू वॉल के बिना हम लोग मज़ा नहीं आता है लेकिन उन लोग के पास ये वाले राउंड में एक एडवांटेज है यार जैसे कि आप देख सकते हो वो वाला राउंड थोड़ा सा ऊपर की साइड है तो ऊपर से बहुत ही अच्छे हेड लग जा सकते हैं अगर जो उनने कोई लॉन्ग रेंज या फिर मस्ती गन ली होगी जैसे कि ए वन नाइन फोर और या फिर ऐसी लॉन्ग रेंज गन और जो शॉर्ट रेंज में भी कभी कभी काम आ जाती है तो मैंने यहाँ पे वो लोग ने यार एडवांटेज नहीं लिया है जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ से हम हाइट से बहुत अच्छे से हेड भी लगा सकते हैं और मैं यहाँ पे ऊपर की साइड पे जाऊँगा बंदे यहाँ पे नहीं मिले मुझे तो मुझे लगता है कि किसी का भी नेट गया होगा तो हम उसका पूरा का पूरा मज़ा ले लेंगे तो मेरा शक सही निकला एक बंदी या फिर बंदा जो भी है उसका बहुत अच्छे से नेट चला गया था और मैंने उसको बहुत अच्छा हेड मार लिया था वो तो यार सारे लोग मार सकते हैं यार ये वाला हेड यार उसका नेट चला गया था तो मैंने उसके बहुत अच्छे से मज़े ले लिए और मैंने यहाँ पे ले लिए ऑग गन क्यों और मैं यहाँ पर मशरूम खा रहा हूँ यार मशरूम ना आ ही नहीं रहा यार वो वाला वहाँ पे जो पड़ा हुआ था तो मैंने उसको खाने की ट्राई की लेकिन वो नहीं आया और आगे की साइड पे एक बंदा मुझे दिखा था जो ऑपोजिट टीम में है तो यहाँ पे जो जोन आ गया है तो वो बाहर तो निकलेगा ही और आपने देखा होगा कि यहाँ पे नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और मैं यहाँ पे इस तरफ़ जाऊँगा और उस तरफ भी जाऊँगा दोनों तरफ से उसको डैमेज दूँगा और मैंने उसको पूरा ख़त्म कर दिया लेकिन उस वो हॉरेज लाइन आया था तो यार हॉरेज लाइन कुछ भी काम करनी है ना कहो तो अगर जो कोई भी बंदा आपको छोड़ के चले जाए पर ऐसा तो कोई करेगा नहीं कि पूरा का पूरा उसको छोड़ के चले जाए और वो जैसे ही हॉरेज लाइन यूज कर ले वो बंदा वापिस से खड़ा हो सकता है लेकिन उसमें एक ग्रीन मार्क भी दिखाता है कि वो बंदा हॉरे तो यूज कर रहा है तो हम तो उसको जिंदा छोड़ेंगे ही नहीं पूरा का पूरा हम उसको ख़त्म ही कर देंगे यार ये तो चिमकान डिग्री हुई यार वो मैं मैं कभी नहीं लेता यार उसके पीछे हम लोग यार रुपए वेस्ट करने की तरह हो गया यार वो एक हज़ार दो सौ रुपये का आता है और कुछ भी काम का नहीं है यार जब अगर जो वो, वो बात अलग है कि अगर जो हम स्क्वाड में खेल रहे हो और अगर जो रैंक मैच हो लेकिन वो रैंक मैच में तो अभी हॉर्जलैंड आया है नहीं लेकिन वो रैंक मैच में काम आता है कि हम लोग अगर जो स्क्वाड में खेल रहे हैं तो बाजू वाले बंदे ने अगर जो उसको छोड़ दिया तो वो बंदा वापस से ज़िंदा हो ही जाएगा और आगे की तरफ मुझे लगता है कि उसने हॉरेज लाइन यूज नहीं किया उसने मेरी वाली सोच अपनाई कि इसमें पैसे बिगाड़ना यार गलत है और ऊपर की साइड पे एक बंदा है जिसको मैं ग्रेनेट फेंक के नीचे बुलाऊंगा और इसमें से मुझे एक ग्रेनेट भी मिल चुका है और मैं उसी का ग्रेनेट फेंक के नीचे बुलाऊँगा और मैंने यहाँ पे उसको नीचे तो बुला ही दिया है और वो बंदा नीचे भी आ गया है और हमारा हो गया यहाँ पे बूया और अगर जो आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को यार लाइक कर देना यार थर्टी ही लाइक टारगेट रखा है हमने और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार आप अभी तक तो क्या कर रहे थे यार सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और आप कमेंट भी ले नहीं लिखते यार मैंने कितने दिनों से देखा है कि सिर्फ दो तीन बंदे यार कमेंट करते हैं यार आप भी कमेंट कर दिया करो तो यार हमें अच्छा लगता है यार फिर हमें शौक ही नहीं था कि हम वीडियो बनाए आप प्लीज़ यार कमेंट भी कर दो और लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय